अभी न पूछो हमसे कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी न पूछो हमसे कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे कभी, न हारे हैं न हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार, हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। आज हिंदी साहित्य वार्ता परिवार को पूरा एक वर्ष हो गया है और हम अपनी पहली एनिवर्सरी मना रहे हैं और हमें बेहद प्रसन्नता आपको ये बताते हुए हो रही है कि हमारा हिंदी साहित्य वार्ता परिवार जो है वो आज 6,300 लोगों के आसपास हो गया है। और मैं उन सभी 6,000 लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य वार्ता से वो किसी न किसी रूप में कनेक्ट हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सब लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की वजह से ही हिंदी साहित्य वार्ता चैनल आज यहां तक पहुंच पाया है। आज इस प्रतिस्पर्धा के दौर में, चाहे वो प्रतिस्पर्धा YouTube में रही हो या फिर ये प्रतिस्पर्धा आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में, और ऐसी ही जो कंपटीशन का दौर आप देखते हैं कि YouTube में भी है, और YouTube में सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है अगर आपके पास रेगुलरिटी नहीं है, निरंतरता नहीं है। और हिंदी साहित्य वार्ता इस चीज को हमेशा जानता है और इसी के चलते एक साल में आप लोगों ने इतना प्यार दिया जो मेरे लिए विशेषतः ये अनएक्सपेक्टेड ही है। मैंने जब इस चैनल को स्टार्ट किया था तो मैंने कभी भी इस तरीके से नहीं सोचा था कि कभी हिंदी साहित्य वार्ता परिवार जो है एक साल में ही 6,000 सब्सक्राइबर कर जाएगा। हालांकि मैंने कभी भी भविष्य के लिए नहीं सोचा, मैंने सिर्फ एक चीज अपना ये कोशिश की कि जो चीज मैं आज कर रहा हूं उस चीज का मुझे फल भले ही अभी ना मिले लेकिन मेरा जो कर्म है वो इस काम को एक बार शुरू कर दिया है तो उसको निरंतरता के साथ रखना है। हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने शुरुआत तो कर दी लेकिन अंजाम तक कितने लोग पहुंचते हैं ये देखना बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप आखिर तक कौन पहुंचता है। तो हिंदी साहित्य वार्ता चैनल ने हमेशा ये कोशिश और हमेशा ये प्रयास रहा है हमारा कि हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। जो चीज हमने शुरू की है उस चीज को हम अंत तक जरूर ले जाएंगे और आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो निश्चित तौर पर हिंदी साहित्य वार्ता का जो परिवार है ये और भी विस्तृत होगा और हम बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की आपको कोशिश करेंगे और बहुत ऑथेंटिक चीजें बताने की आपको कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं और न ही मैं कोई बहुत बड़ा फिलोसफर हूं, ना ही बहुत बड़ा कोई मोटिवेटर हूं। बस मैं सिर्फ एक छोटा सा आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूं, एक विद्यार्थी हूं और हिंदी साहित्य का विद्यार्थी मैं हमेशा रहूंगा और हमेशा मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं कुछ चीजें खुद सीखूं और कुछ चीजें आपसे सीखूं और आपको जो चीजें मेरे पास हैं उन चीजों को सिखाऊं। और इसी के चलते और इसी प्रयास के चलते ही हमने YouTube चैनल जो अपना शुरू किया था, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आज यहां तक पहुंच पाए हैं। मैं पूरे एक वर्ष में उन सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। स्पेशली मैं कुछ लोगों का बाय नेम तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी उनको मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जब मैं अपनी जिंदगी में मतलब बहुत पीछे चला गया था उस वक्त आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। विशेषकर अपने छोटे भाई का जिन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया उस वक्त जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास लगभग सभी रास्ते एक तरीके से जैसे बंद हो गए थे। तो मुझे लगभग एक महीना पूरा लग गया था इस चैनल को स्टार्ट करने के लिए। जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपना डाला था, मैं उसको बना रहा था, तो मुझे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी और मैं ना ही इतना सशक्त था कि मैं अपना जो वीडियो है वो सही तरीके से बना पाऊं। मुझे इस तरीके का पता नहीं था कि रीटेक अगर आप ले रहे हैं तो वो वीडियो वहीं से कट करके फिर से ऐड हो सकती है। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, शाम को 9 बजे से मैंने इस चैनल को बनाना स्टार्ट किया था तो सुबह का 5 बज गया था मुझे रीटेक लेते लेते। मैं खासकर अपना थिएटर से जुड़ा हूं तो वहां पर हमारा एक रूल होता था कि अगर आपका कुछ चीज गलत हो रही है तो उसको पहले से बोलना है। तो जैसे ही मुझसे भी कुछ ऐसी गलतियां हो रही थी तो मैं क्या कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये ठीक नहीं हुआ है, इसको ठीक करते हैं। पहले से मैं शुरुआत से लेकर के वहां तक पहुंच रहा हूं तो ऐसे करते करते मुझे सुबह हो गई थी, कोई बताने वाला नहीं था। ये चीजें मतलब कुछ एक चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो पहली चीज तो यही है कि मैं अपने छोटे भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे और कहा कि आप इस तरीके से कुछ चीज कीजिए कि वो अच्छी हो सकती है। और उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे देखा कि उसकी जो बात थी वो कहीं ना कहीं सही थी, जब लोगों के कमेंट्स आना शुरू हुए, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने पढ़ना शुरू किया खुद भी और उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की, तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मेरे साथ ही साथ। साथ ही साथ मैं
अपने दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे उस दौर सपोर्ट किया और मुझे बताया कि किस तरीके से चीजें होती है, किस तरीके से आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, पहले से बोलने की शुरुआत करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी ऐसी जो चीजें थी, इन सब चीजों को हमने पार किया और लगातार उसके बाद वीडियोस बनाते रहे। आज हमने लगभग 200 के आसपास जो हमारे स्टडी वीडियोस इसमें हैं, और हमेशा पहले मैं भी ऐसी सोचता था कि जो हमारी स्टडी की वीडियोस हैं वो छोटी होनी चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर कोई विद्यार्थी वाकई में वास्तव में पढ़ना चाह रहा है तो 30 मिनट्स की जो हमारी वीडियो रहती है उसमें आप देखते हैं कि किसी भी तरीके की कोई गपशप या फिर कोई एक्स्ट्रा चीजें हम नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस है स्टडी के ऊपर। और हिंदी साहित्य वार्ता चैनल और सुभाष ठाकुर हमेशा यही चाहता है कि आप जो है हमेशा अपनी तैयारियों को शीर्ष पर रखें, वही आपके लिए है, वही एक विद्यार्थी के लिए है कि उसका जो काम है वो स्टडी करना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप सब लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प हुई है, मुझे आपसे भी, आप जो हमें इस वक्त देख रहे हैं आपके सपोर्ट से ही मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। तो सब सब्सक्राइबर्स का और नॉन सब्सक्राइबर्स का जो फिर भी मुझे देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, अब बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं। हालांकि मैं यहां पर अब उन कमेंट्स को नहीं रख पाया हूं, बहुत सारे लोगों का प्यार, बहुत सारे लोगों का जो स्नेह है वो शुरुआत से लेकर के अंत तक हमारे साथ बना रहा। साथ ही साथ मैं अपने टीचर्स का, साथ ही साथ अपने माता पिता का, पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस काम को करने के लिए और साथ ही साथ ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए, सब लोगों का दिल से मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे पास जो भी आज ये इक्विपमेंट्स हैं, ग्रीन स्क्रीन है या फिर ये ट्राइपॉड है या फिर माइक है, ये सारी चीज़ें मुझे खुद से नहीं है, मैंने अपने खुद नहीं ली है, किसी न किसी ने दी है। उन सब लोगों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे सपोर्ट करने के लिए आपने हर तरीके से सहायता की है। और एक बार फिर से आप सब लोगों का शुक्रिया। आज हम फर्स्ट एनिवर्सरी अपनी मना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा भावुक पल भी है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी इस तरीके से नहीं सोचा था कि हम जो है इस दौर तक भी पहुंचेंगे, कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है ये इतना ग्रो करेगा, क्योंकि मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड ही है। जैसे कि मैंने आपको कहा भी, मैंने सोचा नहीं था कि जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो अंजाम के बारे में ना सोचते हुए मेरा हमेशा एक ही काम रहा है कि जिस काम को किया जाए उसको शिद्दत से किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से होता है। एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट दिया, इतना मॉरल सपोर्ट मिला, और आपका जो प्यार है, आपका स्नेह है, ये हमें मिलता रहा। मैं आपसे भविष्य में भी यही कामना करता हूं कि आप फ्यूचर में हमारा सपोर्ट, हमारा जो मार्गदर्शन है वो ऐसे ही करते रहेंगे और हिंदी साहित्य वार्ता चैनल के साथ जुड़ के आपको कभी भी रिग्रेट नहीं रहेगा कि आप गलत जगह पर हैं। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैं सिर्फ कुछ पंक्तियों के साथ आपसे रुख्सत लेना चाहूंगा कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान पाना बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी नापना आसमां बाकी है, आसमां बाकी है। शुक्रिया।